जब हाशिम आमला का नाम सुनते हैं तो जहन में ऐसे खिलाड़ी की छवि बनती है जो व्यवहार से बेहद शालीन और सौम्य है। लेकिन हाशिम आमला विरोधी गेंदबाज की गेंदों को बहुत ही आक्रामक तरीके से सीमा रेखा के पार भेज देते हैं। हाशिम आमला उनकी गेंदों के साथ बिल्कुल भी नर्म व्यवहार नहीं करते। चेहरे पर बहुत ही सरल और भीनी मुस्कान रखने वाले आमला का बल्ला लगातार बरस रहा है और विराट कोहली द्वारा बनाए गए सबसे तेजी से बनाए गए शतकों के रिकॉर्ड हाशिम आमला तोड़ते हुए आ रहे हैं। 31 मार्च 1983 को डरबन में जन्मे आमला के पूर्वज सूरत गुजरात से थे। प्राइमरी में घर के पास ही एक स्कूल में पढ़ने वाले हाशिम आमला ने 9 साल की उम्र में डरबन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने इसी स्कूल में एडमिशन इसीलिए लिया क्योंकि उनका एक अजीज मित्र इसी स्कूल में पढ़ता था। वैसे तो आमला का मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन उन्हें स्कूल में सबसे अच्छा ब्रेक टाइम लगता था। इस दौरान वो दोस्तों के साथ अक्सर स्कूल की दीवार फांदकर भाग जाते थे। इसी स्कूल ने उन्हें क्रिकेट में पहला मौका दिया। उन्हें स्कूल की अंडर 14 टीम में चुन लिया गया। इसे उनकी क्रिकेट करियर की शुरुआत माना जा सकता है। उन्हें रग्बी और फुटबॉल खेलना भी पसंद था। क्रिकेट के ऑफ सीजन में वो फिटनेस के लिए रग्बी खेलते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ओर से लोअर डिवीजन तक रग्बी खेली है। अपनी क्लासिक शैली के लिए पहचाने जाने वाले हाशिम आमला दुनिया भर की इस्लामिक कम्युनिटी के क्रिकेटरों के लिए एक मिसाल हैं। वे पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हाशिम आमला के नक्शे कदम पर मोइन अली, हसीब हमीद, आदिल रशीद और कई खिलाड़ी आए हैं जो अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। ২০১৩ में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर डीन जोन्स ने उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था। मैच के दौरान आमला ने कैच लपका तो जोन्स ने कह दिया था कि आतंकवादी ने एक और विकेट ले लिया। इस वाकये के बाद डीन जोन्स ने उनसे माफी भी मांगी थी। एक बार हाशिम आमला ने खुलासा किया था कि 14 साल की उम्र में क्लब मैच के दौरान उनके साथ इससे भी बुरा व्यवहार किया गया था। आमला एक पक्के मुसलमान हैं। उन्होंने अपने धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपनी जर्सी पर एक शराब कंपनी का लोगो लगाने से मना कर दिया था। इस कारण उन्हें $500 का जुर्माना भी हुआ था। हाशिम आमला की वाइफ का नाम सुमैया है। वे भी इस्लाम धर्म का कड़ाई से पालन करती हैं। वो जब भी स्टेडियम में मैच देखने आती हैं तो हमेशा बुर्का पहनकर जाती हैं। उनके दो बेटे हैं। पसंद की बात की जाए तो हाशिम आमला ब्रूस ली की फिल्में देखना पसंद करते हैं। सबसे तेजी से बनाए गए शतकों के मामले में विराट कोहली विवियन रिचर्ड्स के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछा करते हुए हाशिम आमला सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से खेलते हुए टेस्ट में उन्होंने 13 शतक जमाया था। दक्षिण अफ्रीका के वो ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। वनडे में सबसे तेज 2000 रन, सबसे तेज 3000, 4000, 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हाशिम आमला ही हैं। फिलहाल उनके वनडे में 24 और टेस्ट में 26 शतक हो चुके हैं। वे दुनिया के 7वें और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल शतकों की 50 लगाई है। 2013 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2013 में ही टेस्ट और वनडे रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हाशिम आमला जीत चुके हैं।